नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में आज टेस्ट मैच का पहला दिन है, जिसमें केएल राहुल ने बेहद ही शानदार पारी खेली है और इसी वजह से हम केएल राहुल को कमाल लाजवाब खिलाड़ी कहते हैं, क्योंकि केएल राहुल जब भी परफॉर्मेंस करते हैं तो हमेशा वो टीम इंडिया के लिए काफ़ी कारगर साबित होते हैं और टीम इंडिया को वो अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता भी रखते हैं। और आज एक बार फिर से केएल राहुल ने कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है। तो कैसे केएल राहुल ने टीम इंडिया के लिए आज बेहद ही शानदार पारी खेली है और कैसे टीम इंडिया को केएल राहुल ने आज एक बेहद ही शानदार जीत दिलाई है, पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। बस आप सभी को हमारी वीडियो को अंत तक देखना है। जी हां, आपको बता दें, आज टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जब टॉस हुआ तो कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। तो इस वजह से टीम इंडिया की तरफ से आज केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने के लिए आए थे, जहां केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने पहले ही विकेट के लिए बेहद ही शानदार 117 रनों की पार्टनरशिप की। जी हां, आपको बता दें, इस पार्टनरशिप में जहां मयंक अग्रवाल ने 60 रनों की पारी खेली और इसके लिए उन्होंने 123 गेंदों का सामना किया और 9 चौके भी जड़े, तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी 166 गेंदों का सामना किया। और अच्छी बात जो है वो ये है कि केएल राहुल अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं और 68 रन बनाकर कप्तान विराट कोहली के साथ बेहद ही शानदार पार्टनरशिप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम को एक और बहुत बड़ा झटका चेतेश्वर पुजारा के रूप में, और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चेतेश्वर पुजारा आज एक बार फिर से बेहद ही शर्मनाक तरीके से आउट हुए हैं। चेतेश्वर पुजारा ज्यादा कुछ खास कर ना सके, बिना अपना खाता खोले ही वो 117 रनों के ही टीम इंडिया के स्कोर पर आज चेतेश्वर पुजारा जीरो पर ही आउट हो गए। तो इस तरह से टीम इंडिया को अब तक टोटल 2 झटका लग चुका है। और अगर अभी बात करें कि कौन से खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं, तो जी हां, आपको बता दें, विराट कोहली और केएल राहुल इस टाइम पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां केएल राहुल ने 166 गेंदों का सामना करके अभी तक 68 रन बना दिया है और केएल राहुल ने अभी तक 11 चौके जड़ दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि कप्तान विराट कोहली बेहद ही संभल कर सूझबूझ से कप्तानी पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं और टीम इंडिया को इस मैच में बनाए हुए हैं। आज विराट कोहली ने 54 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली है और अपनी पारी में अभी तक विराट कोहली ने 2 चौके भी लगाए हैं। बात करें अगर टीम इंडिया के टोटल स्कोर की, तो टीम इंडिया ने अभी तक पहली इनिंग में 157 रन बना दिए हैं और 2 विकेट अभी तक टीम इंडिया के गिरे हैं। तो इस तरह से टीम इंडिया लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से इस मैच को जीता जाए और आगे बढ़ा जाए। हालांकि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि केएल राहुल का विकेट निकाला जाए। अब पूरी तरह से ये टीम इंडिया का जो मैच है केएल राहुल के ऊपर डिपेंड है। अगर यहां से केएल राहुल आज अपना शतक पूरा करते हैं तो टीम इंडिया काफी आगे निकल जाएगी और पहला दिन जो है वो टीम इंडिया के नाम रहेगा। लेकिन अगर केएल राहुल का विकेट गिर जाता है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया बहुत ही जल्दी लड़खड़ा सकती है और केएल राहुल के बाद टीम इंडिया का ऐसा कोई अभी प्लेयर है नहीं जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में हो, इस वजह से टीम इंडिया को परेशानी हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि केएल राहुल आज शतक मारने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।